फेसबुक को यूज़ करते हुए एक दिन में $70 तक अर्न करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अर्निंग का बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने काम करना है सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे। फेसबुक का अकाउंट ऑब्वियसली हर एक के पास होता है आजकल के दौर में, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो, उस पर आप जो है वो एक घंटा काम कर लो, ठीक है। और क्या होगा कि आप जो है वो डेली का $70 तक अर्न कर सकोगे। बिल्कुल ऑथेंटिक काम है, कोई स्कैम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही एक यूनिक किस्म का मैं आपको काम बताऊंगी, जो शायद अभी तक आपको और किसी ने नहीं बताया होगा कि फेसबुक को यूज़ करते हुए इस तरह से भी आप जो है वो अर्निंग कर सकते हो। इसमें ना तो आपको कोई स्किल की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मेरे बताए हुए तरीके से एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड के साथ आपने जो है वो फेसबुक ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करके, ठीक है, तो किस तरह से वहाँ पे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और उससे जो है वो आप अच्छे खासे पैसे, तकरीबन $70 जो है वो 19-20 हज़ार के करीब बन जाता है पाकिस्तानी रुपीस में, इतना आप जो है वो अर्न कर सकोगे। हर कोई ये काम कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इस काम में, बहुत ही आसान और मज़ेदार सा काम है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस काम को सीखने में वो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। मोबाइल से आपने फेसबुक को ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डिज़ाइन। ग्रुप्स वाली ऑप्शन में आपने आ जाना है, आपके पास यहाँ पे बेतहाशा ग्रुप्स आ जाएंगे, आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है जिनके मेंबर्स ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट वाला देखें, 144K हैं, 174K हैं, 71K है, 338K है, आपने सिंपली फेसबुक पर आके ये वाले ग्रुप्स को सर्च करके आपने वन बाय वन सबको जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये आसान सा काम आपने पहले स्टेप पे ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल पे, ठीक हो गया, और गूगल पे आके आप सर्च करोगे फाइवर अफिलिएट, ठीक है। अब परेशानी ना, हम फाइवर पे खुद कुछ नहीं करने वाले, आपने यहाँ पे फाइवर अफिलिएट को सर्च करना है। नीचे आपको नज़र आ रहा है बिकम अ फाइवर अफिलिएट, इसको सिंपली आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ज्वाइन नाउ की ऑप्शन आपके पास आ गई है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना जो है वो साइन अप करना है, अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम दे दोगे, साथ ही साथ आपने अपना लास्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ईमेल एड्रेस आपने देनी है, यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहते हो, जो अवेलेबल भी हो वो आपने यहाँ पे दे देना है। अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहे हैं, आपने प्राइवेट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड्स वगैरह आपने यहाँ पे ले देने हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, तो आपने यहाँ पे यस कर लेना है। यस इसलिए करना है क्योंकि पीछे अभी हमने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्रैफिक ज़्यादा मतलब मेम्बर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे यूआरएल मांग रहे हैं आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक का, आप यहाँ पे अपने फेसबुक की आईडी का लिंक दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश ही लैंग्वेज आप रहने दें, स्काइप की आईडी आपको यहाँ पे देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो ना दो, कंपल्सरी नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने फिलअप कर लेनी है और आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं फिर आपको बता दूँ, फाइवर का अकाउंट एक अलग चीज़ है, फाइवर अफिलिएट का अकाउंट बिल्कुल एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आपने खुद बेसिकली कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से अब हम अपने डैशबोर्ड लॉगिन पे जाएंगे तो साथ ही आपको लॉगिन की ऑप्शन नज़र आएगी, जहाँ पे आपने अभी अपना ईमेल और पासवर्ड जो रखा है वो सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम अकाउंट में अपने लॉगिन हो जाएंगे फाइवर अफिलिएट के अकाउंट में। जब आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके होगे, लॉगिन कर चुके होगे, तो हम कुछ इस तरह के पेज पे लैंड
कर जाएंगे, है ना। बिल्कुल ही डिफरेंट, फाइवर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वहाँ पे गिग्स वगैरह होती हैं, लेकिन फाइवर अफिलिएट बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है वो आज काम करना सीखोगे। सबसे पहले आपने ऊपर थ्री डॉट्स पे जाके डेस्कटॉप व्यू को क्लिक कर लेना है। मतलब ये वो व्यू आ जाएगा जो कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में व्यू आता है, क्योंकि ये काम हम डेस्कटॉप व्यू पे ही करने वाले हैं, मोबाइल वाले व्यू पे हम इसको नहीं करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने जो है वो अपना काम कर लेना है। उसके बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऊपर आपको जो थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं उसमें आने के बाद आपको ये सेकंड नंबर पे मार्केटिंग टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड, डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स, इस पे आपने क्लिक करना है तो आप जो है वो इस वाले पेज पे लैंड कर जाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने काम ये सारे कर लेने हैं। फाइवर अफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स वाली ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोबारा से आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने फाइवर को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है अगर हम जो है वो फाइवर अफिलिएट पे काम कर रहे हैं। यहाँ से हम फिर से डेस्कटॉप व्यू पे आपने लाजमी कर लेना है। अब यहाँ पे सर्च बार में हम जो है वो लिखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन या वेब डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइन। शुरू में आपको याद होगा जो उनसे हमने ग्रुप्स जो है फेसबुक में ज्वाइन किए हैं वो भी इसी टाइटल से, इसी स्किल से किए हैं, वेब डिज़ाइनिंग से, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे। फाइवर पे आके भी आपने सिंपली वही कीवर्ड को लिखना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वही स्किल आपने लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप के जो फ्रीलांसर होंगे, टॉप रेटेड होंगे, फाइवर चॉइस वाले होंगे, आपने सिंपली जो है वो उनको यहाँ पे टारगेट करना है। टारगेट आपने बेसिकली क्या करना है, आपने इनकी जो प्रोफाइल है इसका लिंक आपने फेसबुक ग्रुप में दे देना है। लेकिन किस तरह से देना है वो सारा स्टेप आपने फाइवर अफिलिएट पे करना है। यहाँ पे आपको जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर नज़र आएंगे सिंपली आपने उन पे क्लिक करना है। आप उनकी इस तरह से प्रोफाइल पे जो है, उनकी गिग पे जो है वो आप आ जाओगे। इनके रेट भी आप देख लो कि इसका सिर्फ बेसिक जो है वो 26,000 है, स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं, प्रीमियम देख लेते हैं जो कि अच्छी खासी अमाउंट है, 1,16,000, 1,74,000। अब ये मैं आपको पेमेंट्स इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो शेयर के बटन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से जो है वो शेयर करोगे, ठीक है, या हम लिंक कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली हमने कॉपी किया लिंक को। लिंक को कॉपी करने के बाद दोबारा से फाइवर अफिलिएट के डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स वाली ऑप्शन पे आने के बाद डीप लिंक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक आइकॉन आ जाएगा। उस पे आपने जो है वो सिंपली इस लिंक को पेस्ट कर देना है जो फाइवर से आपने उस बंदे की प्रोफाइल का उठाया था। जैसे आप इस पेस्ट को उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक बना है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये स्क्वेयर्स बने हुए हैं उसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमारा मेन काम आता है दोबारा से फेसबुक के उन ग्रुप्स पे जिनको हमने जो है वो शुरू में ज्वाइन किया था। अब मैं उन ग्रुप्स में अगर जाऊँ तो आपको नज़र आ रहा है कि आई एम इन नीड ऑफ वेबसाइट डिवेलपर, डू नीड वेबसाइट रनर, ठीक है, लोगो डिज़ाइनर नीडेड, इसके अलावा वेब डिवेलपर नीडेड। मतलब यहाँ पे फेसबुक पे बेतहाशा ग्रुप्स हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जहाँ पे लोगों को डेली बेसिस पे वेबसाइट डिवेलपर चाहिए हैं। हमने क्या करना है, हमने उसी पोस्ट पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वेबसाइट डिज़ाइनर की ज़रूरत है, आपने उसके कमेंट में जाना है। कमेंट में जाने के बाद आपने एक लाइन लिख देनी है कि येस आई एम इंटरेस्टेड, और मैं जो हूँ वो टॉप रेटेड फाइवर का सेलर हूँ, ठीक है, या फाइवर चॉइस वाला हूँ। और आपने क्या करना है, ये सारी लाइन लिखने के बाद उस प्रोफाइल की लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है जो हमने फाइवर अफिलिएट के डीप लिंक्स में अभी अभी क्रिएट करके कॉपी की है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने खुद बेसिकली कोई काम नहीं करना। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जिन लोगों को ज़रूरत है वेबसाइट डेवलपर्स की, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, आपने सिंपली फाइवर के उन सेलर्स के प्रोफाइल के लिंक्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक हो गया, इससे आपको क्या होगा कि अगर कोई यहाँ से सर्विस जो है वो लेता है, मतलब अगर जिस बंदे ने यहाँ पे पोस्ट की है वो आपके कमेंट पे देख के क्लिक करके उस प्रोफाइल लिंक पे जाता है और अगर वो परचेज़ करता है, मतलब ऑर्डर उसको देता है, तो उसको जो है प्रॉफिट आपको मिलने वाला है
उसके रेट्स के अकॉर्डिंग, जो रेट हमने अभी देखा था कि उसका 1,16,000 1,74,000 है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम। आपने कुछ नहीं करना, जिसको काम चाहिए आपने उसको उस बंदे का लिंक दे देना है जो कि ये काम ऑफिशियली फाइवर पे ऑथेंटिक तरीके से कर रहा है, और आपको आपकी कमीशन सिंपली मिल जाएगी। ये सारा काम बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि ये सारे का सारा काम फाइवर पे हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर नीडेड चाहिए, तो आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर का किस तरह से लिंक दे सकते हो, आप सिंपली वापस फाइवर पे चले जाओ। फाइवर पे आप लोगो डिज़ाइनर वाली जॉब सर्च करो, गिग्स को सर्च करो, जो टॉप रेटेड सेलर्स होंगे आपने उनके लिंक को उसी तरह से फाइवर अफिलिएट के डीप लिंक्स बना के आपने यहाँ पे उनके कॉमेंट्स में पेस्ट कर देना है। मतलब जो जो स्किल यहाँ पे रिक्वायर होगी, सिंपली आपने उस वाली गिग को फाइवर से ओपन कर लेना है। ठीक है, फाइवर से ओपन करने के बाद आप सिंपली उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला लिंक बनाया है डीप लिंक, आपने उस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पे जिस तरह हमें लोगो डिज़ाइनिंग की ऑप्शन नज़र आई थी, यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन वाला जो है वो स्किल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर्स जो होंगे, सिंपली हम उनका उसी तरह से लिंक क्रिएट करेंगे फाइवर अफिलिएट पे जाके, और हम कमेंट्स में जाके इनकी प्रोफाइल के लिंक को पेस्ट कर देंगे। है ना, बहुत ही आसान सा काम जिसपे आपने सिर्फ और सिर्फ लिंक को शेयर करना है, खुद आपने कुछ भी नहीं करना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने गूगल पे आगे बिटली पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने क्यों आना है, आप बिटली के साथ लिंक शॉर्टनर लिख सकते हो, क्योंकि जब हमने कमेंट में अपना लिंक पेस्ट किया था वो अच्छा खासा लॉन्ग लिंक था। अगर उस लिंक को आप शॉर्ट करना चाहते हो, आप सिंपली बिटली लिंक शॉर्टनर पे अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आप उस लिंक को पेस्ट करके शॉर्टन मतलब छोटा कर सकते हो, ताकि कमेंट इतना बड़ा ना दिखे और एक छोटा सा एक ही लाइन का लिंक जो है वो आपके सामने आ जाए और आप उसको जो है वो सिंपली कमेंट में पेस्ट कर दो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सारे के सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम देख लें हमें पेमेंट्स कैसे मिलने वाली हैं। यहाँ पे 3 लाइंस पे जाके हम पेमेंट्स वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी पेमेंट्स नज़र आ जाएंगी कि आपने इस मंथ में कितना अर्न किया है। ठीक है, या आपने इस वीक में, इस दिन में आपने कितना अर्न किया है। इसके अलावा हम इसके अगर रेट्स देख लें कि हमें कितने परसेंट जो है वो कमीशन मिलने वाली है, यहाँ पे कमीशन रेट्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें तो सबसे ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है सब अफिलिएट कमीशन कट, तो ये है 10%। और इसके अलावा अगर आ जाता है थोड़ा नीचे CPA बाय प्रोडक्ट, ठीक है, हमने डीप लिंक्स क्रिएट किए हैं CPA के, मतलब इन्होंने हर कैटेगरी के बताए हैं कि अगर आप जो है वो इस स्किल का अगर लिंक शेयर करते हो तो आपको 10% मिलेगा, अगर आप आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट वाले लिंक को शेयर करते हो तो आपको फ्लैट $25 मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये FTD वाली कोई ऑप्शन है, स्किल है, अगर आप इसको करोगे तो आपको $500 जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक हो गया, मतलब इस तरह से अलग अलग कमीशन रेट्स लिखे हुए हैं। अगर हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वो जितने भी आपने अर्निंग की होगी वो यहाँ आपको डेली बेसिस पे ग्राफ आपका शो हो जाएगा कि आपके दिए गए लिंक पे कितने क्लिक्स हुए हैं, ठीक है, और कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो परचेजिंग की है। कमीशन रेट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, अच्छे खासे हैं, आपने कुछ नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।